हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलबाग सिंह और इस वीडियो में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कल एक दोस्त ने कमेंट बॉक्स में एक बात लिखी कि सर मुझे कोई ओसीडी की उनको समस्या थी। पूरी तो उन्होंने बात नहीं लिखी, उन्होंने कहा कि सर मुझे समस्या है और समाधान नहीं मिल रहा, क्या करें। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने ओसीडी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फोबिया जैसी जो मानसिक समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, अगर आप उनको दूर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा पावरफुल है। आपको मोटिवेट करेगा, आपको प्रेरित करेगा और आपके अंदर एक जान भर देने वाला वीडियो है। और वो बात मैं जो कहने वाला हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए। अगर वो समझ ली तो समझ लो कि आप अपने ओसीडी, डिप्रेशन को बहुत जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं और जीवन की कोई भी समस्या है, कोई भी समस्या है, आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। और वो बात ये है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में जो परेशानी है, जो आपको दिक्कत आ रही है, चाहे आप ओसीडी, डिप्रेशन से चिंतित हैं, परेशानी है, या आपकी निजी कोई लाइफ में दिक्कत चल रही है, तो मैं यही चाहता हूँ कि आपके जो प्रयास हैं वो किस तरीके के हैं। आपके, दोबारा से मैं थोड़ा सा स्लोली बोलता हूँ, आपके प्रयास किस तरीके के हैं। आप उस समस्या को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं, आप उस समस्या को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या आप जी जान से जुटे हुए हैं, क्या आप सच में चाहते हैं कि मुझे ये समस्या ख़त्म करनी है, क्या आप उसके पीछे ही पड़ गए हैं। अगर तो इस तरीके का एटीट्यूड आपने बना लिया है तो मजाल है कि वो समस्या रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं लेटा रहूं और समस्या चली जाए, मैं सोया रहूं और समस्या चली जाए, मैं कुछ करूं ही ना, मैं आराम से बैठा रहूं तो समस्या चली जाए, ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा होने वाला नहीं है। ज़िंदगी कभी भी ऐसी नहीं बदलती दोस्तों, मैं आपको कह देता हूं। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए कि ज़िंदगी बैठे रहने से नहीं बदलती, कुछ करना पड़ता है। और मैं चाहता हूं कि अगर आप कोई समस्या में आ गए हैं तो उसके लिए एक जुनून से, एक पूरे आत्मविश्वास से लग जाइए और कहिए कि मैं इसको ख़त्म करके ही रहूँगा, मैं उसको ख़त्म करके ही रहूँगा। जब आप उसको लग जाते हैं एक डेडिकेशन के साथ, एक दृढ़ निश्चय के साथ लग जाते हैं कि मुझे इतने समय में, एक समय डेट डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे इतने समय में अपनी समस्या को दूर करना ही करना है, तो वो समस्या की कोई हिम्मत नहीं कि वो समस्या दूर ना हो। मैं बात फिर से कह रहा हूँ, बस आप लग जाइए। आप कितने प्रयास कर रहे हैं, कितने प्रयास कर रहे हैं, कितनी तेज़ी से प्रयास कर रहे हैं और किस दिशा में आप प्रयास कर रहे हैं। आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मैं खुद का उदाहरण लेना चाहूँगा। देखो, मेरे वीडियोस हर दिन आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं, हर तरीके के वीडियोस आ रहे हैं, बार बार मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, कोई तो देखेगा। सब्सक्राइबर कम है, कोई बात नहीं, व्यूज़ कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लाइक कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा काम क्या है, मेरा काम है वीडियो डालना, अपनी जानकारी, जितना मुझे ज्ञान है, जितना मुझे आता है वो आप लोगों तक पहुँचाना। देखना, आप अपने आप आ जाएंगे, वीडियोज आ जाएगी, चैनल के ऊपर चढ़ी होगी तो देख भी लेंगे। तो ये है मेरे प्रयास, ये मैंने अपने प्रयास की बात की है। और मेरे जीवन में कोई समस्या आती तो मैं उसको प्रयास रहित लग जाता हूँ, तो आपको भी प्रयास तो करने पड़ेंगे ना। मुझे रिजल्ट मिले हैं तो प्रयास करे हैं तो रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो एक ज़बरदस्त प्रयास उसके लिए कीजिए, एक डेडिकेशन के साथ आप लग जाइए, एक दृढ़ निश्चय बना करके लग जाइए कि मुझे इतने समय में इस चीज़ को ख़त्म करना ही करना है और अपने जीवन में परिवर्तन करना ही करना है। उसके लिए मुझे कुछ भी सीखना पड़े, कुछ भी लगाना पड़े, कितना समय देना पड़े, मैं उसके लिए देने के लिए तैयार हूँ। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ लगते हैं तो आपकी समस्या का हल है, नहीं तो रोते रहिए, जीवन भर रोते रहिए, विचारों में उलझे रहिए और कुछ कर नहीं सकते, खुशी को आप हासिल नहीं कर सकते, दूसरों के साथ रिश्तों को और ख़राब कर सकते हैं, परिवारों वालों के साथ आप अच्छे से रह नहीं सकते। तो आपको उठना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा। क्या जागने के लिए तैयार हैं? तो अगर आप जागने के लिए तैयार हैं तो जीवन में आपकी समस्या है तो आपको मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, और वो बात यह है कि इस डिस्क्रिप्शन में भी मैंने नंबर छोड़ा है, स्क्रीन के ऊपर भी मैंने नंबर छोड़ा है। तो आपको करना क्या है, कॉल करनी है और ऑनलाइन काउंसलिंग लेनी है और मिल करके हम आपस में, आप और मेरे, हम आपस में विचारों को साझा करेंगे और समस्या को छू मंत्र करेंगे। धन्यवाद।